सो गुड इवनिंग एवरीबडी सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ मेरा नाम सोनू शर्मा है और मैं बेसिकली फरीदाबाद को बिलोंग करता हूँ इन नाइनटीन नाइन्टी एट आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्राम डेवी कॉलेज फरीदाबाद और थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा आपसे क्योंकि मुझे बताया गया यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूट्स चलाने वाले लोग भी हैं राइट right. मैं नाइन्थ में फेल हो गया था और इलेवेंथ में फिर फेल हो गया और बहुत होशियार था तो मैं फर्स्ट ईयर में भी लुढ़क गया अच्छा और ये जो हंस रहे हैं ये सब ऑक्सफोर्ड से आए हैं मुझे ऐसा लग रहा है सो <laughs> so, मैं तीन बार फेल हुआ स्कूल में दो बार और एक बार <coughs> कॉलेज में और बड़ी मुश्किल से मेरा ग्रेजुएशन हुआ 98 में और हमारे दौर के अंदर आज से अगर 25 साल पहले चले जाए तो मार्क्स की परसेंटेज इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती थी आजकल तो 98 एट परसेंट हमारे दिल्ली में करोडिंगमल कॉलेज है हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड क्लिस जाती है वहाँ पर अभी टेंथ का सी बी एस ई का रिजल्ट आया है, तो मेरी जो भांजी है उसका मार्क्स उसने मुझे बताया कि मामा जी मेरे नाइन्टी एट पॉइंट सेवन परसेंट मार्क्स आए हैं तो मैंने उसको बोला अर्पिता मेरे तो सारे सब्जेक्ट में मिला के भी नाइन्टी एट पॉइंट सेवन नहीं आए थे <laughs> आजकल के बच्चे पता नहीं क्या ऐसा या तो लिखने वालों के पास कुछ ऐसी गजब टैलेंट आ गया है या चेक करने वाले लल्लू लाल हैं <laughs> कुछ ना कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को 99 परसेंट कैसे आ जाते हैं 100 परसेंट भी आ रहे हैं हमको तो कोई अगर बुक भी दे, दे देना तो बुक देख कर भी लिखेंगे तो भी 99 परसेंट नहीं आएंगे तो 98 में ग्रेजुएशन किया और जब घर पहुंचा तो बहुत मुश्किल से पास आउट हुआ था पढ़ाई लिखाई में बहुत ही एवरेज स्टूडेंट होता था मैं तो फादर को डिग्री हैंड किया वो दिन याद है मुझे चौबीस पच्चीस साल हो गए इस बात को तो मैंने फादर साहब को अपने कहा कि पापा नाउ आई एम ग्रेजुएटेड ये डिग्री हमारी तरफ से आपको तोहफा है तो आप भी कुछ तोहफ़ा दीजिए हमको तो उसने बोला वाई नॉट तो ही वेंट टू द रूम और वो रूम से बाहर आई एक पेपर लेकर और उन्होंने मेरे हाथ में वो पेपर दिया तो मैंने बोला ये क्या है बोला वी हैव अ लोन ऑफ थ्री लाख रुपीज़ एंड यू हैव टू पे ये हमारी तरफ से तुझे ग्रेजुएशन का <laughs> तो मैंने सोचा इससे तो मैं ग्रेजुएशन ना ही करता तो अच्छा था सो नाइनटी एट में मेरा करियर स्टार्ट हुआ विद डेप्ट्री लाख रुपीज़ मुझे पहले दिन मालूम चल गया कि ज़िंदगी आसान होने वाली नहीं है बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ बहुत खुश नसीब हूं कि तीन लाख रुपए के कर्जे के साथ जिंदगी की शुरुआत हुई मैं बहुत फॉर्चुनेट मानता हूं अपने आप को क्योंकि कहते हैं अमीर बनने का मौका भगवान सिर्फ गरीब लोगों को ही देता है जो ऑलरेडी अमीर है उसके पास ये अपॉर्चुनिटी थोड़ी ना है ये अपॉर्चुनिटी तो उसी के पास है जिसके पास है नहीं तो मैं बहुत फॉर्चुनेट फील करता हूँ कि मैं उस परिवार में आया जहाँ बहुत स्ट्रगल देखते थे हम लोग और पिछले करीब करीब दस साल से ज्यादा हो गए मुझे कॉर्पोरेट प्रोग्राम करते हुए आज हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट 150 प्लस कॉरपोरेट ऑफिस के लिए मैं काम करता हूँ आप इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज के नाम बताएंगे तो आई एम वर्किंग विद द टॉप मोस्ट 150 प्लस बिग ब्रांड्स तेईस सौ वेबिनार किए हम लोगों ने सिर्फ कोविड के दौरान जो डेढ़ साल का कोविड था उसके अंदर करीब करीब तेईस सौ इवेंट एक एक दिन में चार चार पाँच पाँच छः छः इवेंट भी मैंने अलग अलग कंपनीज़ के लिए किए 1200 से ज़्यादा लाइव प्रोग्राम्स 700 से ज़्यादा वर्कशॉप और 300 से ज़्यादा कॉरपोरेट ट्रेनिंग हम पिछले कुछ सालों में कर चुके हैं अलग अलग कंपनीज़ के लिए हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट कंपनी के लिए हम काम करते हैं जिसमें आपके टाटा बजाज ल्यूमिनस आई सी और बहुत सारे बिग बिग ब्रांड्स हैं तो ये बहुत हैरान करने वाला है कि जो लड़का जो स्कूल कॉलेज में फेल हो गया था वो आज डेढ़ सौ कंपनीज के लिए कॉरपोरेट ट्रेनर है तो बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि हाउ कम ऐसा ये कैसे हो गया क्योंकि स्कूल कॉलेज में तो हमारे को सब बोलते थे कि तू बर्बाद हो गया ज़िंदगी में कुछ करेगा नहीं तो मेरे पिताजी भी मुझे बोलते थे बेटा पढ़ लिख लो नहीं तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी कुछ करते नहीं हो तो हम बोलते हैं पापा जो कुछ नहीं करते हो ही तो कमाल करते हैं हाँ तो हमारा फिर सफ़र इस तरीके से चालू हुआ और जिस व्यक्ति को नाइन्थ में पासिंग मार्क्स नहीं मिले थे उसको हार्वर्ड यूएसए ने अभी डॉक्टरेट का डिग्री दिया आज से करीब करीब एक साल पहले हमने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि ऐसा भी हमारे साथ कभी हो सकता है तो नरेंद्र मोदी जी के भाई हैं और दिल्ली का ये बहुत बड़ा इवेंट था नैसल मंडेला नोबल पीस अवार्ड दिया गया गेट टुगेदर करके तो पिछले दस साल बहुत शानदार रहे लाइफ के बेस्ट ईयर रहे फाइनेंशियली और प्रोफेशनली खास तौर पर और बहुत सारे लोग मेरे से बहुत सारे सवाल पूछते हैं उसमें से कुछ जवाब मैं आपको देने का प्रयास करूंगा आप मेरे साथ हैं सै सर हेलो आर यू विद मी कम ऑन सो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इतना डिस्क्रिमिनेशन है इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर 92 परसेंट लोग ऐसे हैं जो सिर्फ दस हजार रुपए महीना कमाते हैं यू विल बी शॉक टू नो कि इंडिया के अंदर सिर्फ बयानवे परसेंट लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम दस हजार रुपए से नीचे है ओनली आर ओवर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है कि सिर्फ डेढ़ लोग इनकम टैक्स पे करते हैं

हार्डवेयर सबका एक ही है तो मैं बोलता हूँ सबके अंदर सॉफ्टवेयर अलग अलग रन होते हैं और हर बच्चा जीनियस पैदा होता है मुझे ऐसा लगता है उसके सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ होती है स्कूल कॉलेज में या घर में एवरी चिल्ड्रन बॉर्न जीनियस कोई ऐसा बच्चा है नहीं जो मंदबुद्धि पैदा होता हो सब का सब सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया रहता है जब तक वो स्कूल नहीं जाता क्योंकि मैं मेरा व्यक्तिगत मानना है कि स्कूल में नब्बे बातें जो पढ़ाई जाती हैं वो जिंदगी में काम नहीं आती और जिंदगी में जो नब्बे बातें काम आती हैं वो स्कूल में पढ़ा ही नहीं जाती हैं तो मैं अपने पिछले कुछ सालों के एक्सपीरियंस से कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहूंगा हो सकता है आप तक पहुंच सकूं आप मेरे साथ हैं तो मैं आगे चलता हूँ आपको लेकर सो सक्सेस प्रिंसिपल्स में से कुछ प्रिंसिपल मैं आपको बताना चाहूंगा एवरी वन वॉन्ट्स टू नो सीक्रेट टू सक्सेस हर आदमी सफलता का सीक्रेट जानना चाहता है कौन बनेगा करोड़पति इसीलिए इतना फेमस है कि हर आदमी करोड़पति बनना चाहता है यस सर नो ना हर आदमी चाहता है कि मैं सक्सेसफुल हूँ कोई भी आदमी गरीब गुर्बत की जिंदगी नहीं बिताना चाहता हर आदमी चाहता है मैं सक्सेसफुल हूँ अट्रा मॉडर्न लाइफ हो मेरी कोई भी आदमी मिडिल क्लास तो वन मिडिल क्लास रहना नहीं चाहता किसी भी आदमी से विश पूछे तो पहले तो हमारे देश में लॉटरी भी चलती थी अब तो क्यार गवर्नमेंट ने बंद कर दिया यू नो लॉटरी चलता था ना लोग लॉटरी खरीदते थे कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा टाइम हर आदमी चाहता तो है यार राइट तो मेरे पास कुछ सक्सेस सीक्रेट है आपको देने के लिए जो बहुत सालों से बहुत टाइम से छुपे हुए थे मैं खुद के लाया हूं आपके लिए जानना चाहते हैं तो बोलिए हाँ कमान तो हुआ ऐसा कि एक आदमी ने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब माय वाइफ इज प्रेग्नेंट इन द टाइम हैज कम तो कैन यू प्लीज कम फास्ट डॉक्टर ने बोला इट टुक मी थर्टी मिनट मी टू रीच सो होल्ड ऑन तीस मिनट मुझको लगेगा तो वेट करो तो वो बेचारा वेट करता करता आध घंटे के बाद डॉक्टर साहब उसके हाथ में एक बैग रहता है डॉक्टर के क्या बोलते हैं आप उसको मेडिकल किट बस्ता बैग कुछ भी आप लगा सकते हैं ना तो डॉक्टर आई उसने बोला वेयर इज योर वाइफ उसने बोला इनसाइड द रूम डॉक्टर तो हाँ, तो का दरवाजा खोला आफ्टर फाइव मिनट और डॉक्टर भागते हुए बाहर आई कि तुम्हारे घर में आरी है क्या आरी समझते हैं आप कार्पेंटर लोग यूज करते थे यू नो हा एक्स यस 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 तो तुम्हारे घर में है क्या तो उसने बोला डॉक्टर साहब आरी का क्या करेंगी उसने बोला है क्या नहीं क्योंकि टाइम बहुत कम है तो बेचारा भागा भागा गया कहीं से उसको आरी ला के दिया और रूम फिर से बंद कर लिया और फिर से खटपट खटपट की आवाजें आने शुरू हो गई अभी तो चार पांच मिनट निकले थे फिर से बाहर आई बोला तेरे घर में हैमर है क्या हथौड़ा समझते हैं ना आप हिंदी में हथौड़ा बोलते हैं अंग्रेजी में हैमर तो उसने बोला डॉक्टर साहब आरी तक तो ठीक था हैमर का क्या करेंगी तो उसने बोला समय बहुत जल्दी से जा लेकर आ भागा भागा गया कहीं से हैमर वर्क किया है। कि दरवाजे की तरफ देख ही इतना बड़ा पत्थर लेके आ तुरंत अब इससे रहा नहीं गया उसने बोला आ रही हैमर, पत्थर मेरा बच्चा कब होगा तो उसने बोला मैं तेरी बीवी को तो बाद में देखूंगी पहले मेरी पेट ही नहीं खुल रही है जो मैं लेके आई हूं पहले ये खुल जाए तो मैं अपना कार्यक्रम शुरू करूँ ऐसे बहुत सारे लोगों की पेटियां बंद होती हैं कि आपकी भी खुल जाए तो मैं भी अपना कार्यक्रम शुरू करूं सो दैट एक बार थोड़ा सा हो जाए यार लगना चाहिए कि वो जिंदा लोग यहाँ पर बैठे हैं यार